तरह से किसान लोग जो है धरना पर बैठे हैं, ऐसे में इसका असर 2024 के चुनाव पर क्या पड़े? 2024 में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ये नकली किसान है जो धरना आंदोलन कर रहे हैं। पहली बात तो मैं किसान का बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। जो मेरे ओरिजिनल किसान भाई है वो आए ही नहीं। ये पंजाब के किसान क्या है, इनसे ज्यादा गेहूं तो मध्य प्रदेश का किसान कमाता है। क्या कमाते हो गूगल सर्च कर लो। अरे गद्दार हो, क्यों आ रहे हो बॉर्डर पे और पुलिस वाले को मार रहे हो, फौजी में लाठी चार्ज करो। किसान को आप गद्दार, ये तलवार लेके आ रहे हैं। क्या है ये टुड्डो की औलाद है, टुड्डो की औलाद है ये कुछ नहीं कर सकते। ये सब है ना, ये राहुल गांधी और केजरीवाल का दिया प्रेजिडेंट है, क्यों मोदी से जीत नहीं सकते? अच्छा। इनको पता 2024 का चुनाव है, ये हरा नहीं सकते। 26 चोर इनके बिखर चुके हैं। अच्छा। अब इनके पास मुद्दा कोई बचा नहीं, इन लोगों को भड़काओ। इसके लिए एक किसान, किसान को दलाली दे के ये सब दिहाड़ी के बंदे 500 रुपये लोग ये ट्रैक्टर में भर के ले रहे, पत्थर लेके आ रहे। ये पत्थर, ये किसान हो सकते हैं? पत्थर मारने वाला किसान नहीं हो सकता। वो मेरे देश का जो किसान होता है ना, वो रोटी खिलाने वाला किसान होता है। पत्थर मारने वाला किसान कभी देखा भैया आपने? देखा पत्रकार महोदय, देखा? वो तो दिल्ली ही आना चाह रहा था सिर्फ। अरे दिल्ली आना चाह रहा है? हाँ। ऐसे आना चाह रहा है लट लेके, तलवार लेके, बंदूकें लेके, पानी की बोछारे लेके, ऐसे किसान आ रहा है क्यों? अरे क्या तू पाकिस्तान से आ रहा है किसान, अफगानिस्तान से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है? तू मेरे देश की पुलिस पे हमला कर रहा है, मेरे देश के फौजियों को तो लट मार रहा है। मेरा क्यों जा रहा है बॉर्डर? क्यों क्यों? तो वो आतंकवादी है ना, आतंकवादी है किसान। अरे वो टुड्डो की बोला दे कर्नाटक के भेजे हुए कुत्ते ही है। ये सब मोदी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ एक फंडिंग कर रहे हैं ये लोग। अच्छा। और इनका फंडिंग चलने वाला नहीं है, ये भाग जाएंगे। अच्छा। इनको कोई मतलब नहीं है। अरे तुमको चाहिए भाव तो मिलेगा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करो। मैं जानता हूँ किसान, मैं खुद किसान हूँ। तो क्या किसान है तेरे पास, कितना जमीन होगा? ये सारे बेच के चले गए, वहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ से बैठते हैं शिवाजी स्टेडियम से। अच्छा। ये देश से मतलब नहीं इनको, जाएंगे कनाडा। जमीन बेच दिया। अच्छा। ये साले सब इसमें किए हैं, सारे फालतू के लोग है ये सब, यहाँ के कनाडा भाग जाएंगे, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये खाली खोटे का आंदोलन कर रहे हैं। अगर जो देश से प्यारे तो पुलिस वाले पे ये मत करो, और फौजी जो हमारे भाई खड़े उन पर कुछ मत करो, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करो। आओ, तुम्हारी जो मांगे उचित मांगे मिलेगी। अब तुम झंडा जला दोगे लाल किले पे, अपना झंडा टांग दोगे, तुम्हारा बाप का लाल किला है क्या? अच्छा। तुम्हारा बाप का है? अरे 1% 2% काट के फेंक देंगे साले। हिंदू जब जाग जाएगा ना, काटेगा तुम लोगों को, तुम लोग दाढ़ी बनवा। इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये डुड्डो टुड्डो जो ना पुड्डो और ये अन्नू पन्नू, इसके चक्कर में मत पड़ो। भारत देश में इज्जत से रहो, इज्जत मिलेगी। अगर जो नफरत करोगे, भारत माँ से प्यार नहीं करोगे, भारत माँ के लाल बन के नहीं रहोगे तो काट दिए जाओगे। वो भी तो तिरंगा फहराता है। तिरंगे फहरा रहे? अबे तिरंगे के आड़ में हमारे पुलिस वाले को तुम पत्थर मारोगे? तिरंगे के आड़ में हमारे फौजी भाई को पत्थर मारोगे? तिरंगे के आड़ में तुम्हारे देश का विरोध करोगे? क्या विरोध कर रहे हो तुम? अरे तुम जो हो, जो भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, लेकिन मेरे देश का, मेरी भारत माँ, सुनो सर पत्रकार महोदय, मेरी भारत माँ जो है, जो मेरी भारत माँ का लाल है, जो पुलिस वाला जो वर्दी पहना है, मेरी भारत माँ का लाल है, उस लाल पे अगर जो कोई पत्थर मारे तो आपको कैसा लगेगा? मेरा फौजी भाई है, उसको कोई पत्थर मारे तो कैसा लगे? क्योंकि हमारी रक्षा के लिए खड़े वो। अच्छा। हमारी रक्षा कर रहे। आज बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई नहीं होंगे, आज दिल्ली पुलिस हमारी रक्षा के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कोई भी आदमी हमें मार के चला जाएगा। कोई भी गुंडा किसी को भी छीन के, किसका मोबाइल होगा 1 लाख का 2 लाख का, ये दुकानें हैं जहाँ पे लगी हुई, सारा शोरूम लूट ले जाएगा। ये पुलिस वाले बेचारे हमारी रक्षा करते हैं, और आज इन रक्षकों को तुम पत्थर मारोगे? किसान भी तो देश के लोगों को अनाज खिलाता है भाई। मैं इज्जत करता हूँ किसान की। किसान मेरे भाई जो लोग हैं वो देश को अनाज खिलाते हैं, वो किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान से बड़ा कोई नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ किसान से बड़ा कोई नहीं है। सब्जी देता है, अनाज देता है, दूध देता है, सब देता है, लेकिन किसान की आड़ में जो नेता, जो देश विरोधी ताकते, जो किसान को बरला के वहाँ पे जो लेके आ रही है बॉर्डर में, वो गलत है। वो किसान भाई से कहना चाहता हूँ कि किसान भाई आप इनके चक्कर में मत पड़ो। ये लोग तो अपने वोट पाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने को धनवान बनाने के लिए ये कभी भी देश छोड़ के भाग सकते हैं। ऐसे राहुल गांधी, ऐसे विपक्ष वाले लोगों का समर्थन मत करो। राहुल गांधी किसान के लिए आवाज बनते हैं, मजदूरों के। वो यार पप्पू है ना, जो विरोधी होता है ना,
जो उम्मीदवार को विरोध करेगा ना उसके साथ चला जाएगा, उसमें ज्ञान व्यान कुछ नहीं है। वो पप्पू को भारत देश से कुछ लेना देना नहीं सर। अच्छा। क्योंकि वो तो इटली का लॉन्च किया ना, उसको सोनिया गांधी ने क्या किया, लॉन्च किया, अपना एक प्रोजेक्ट है वो। सोनिया गांधी ने अपना एक प्रोजेक्ट, ऐसा एजेंट है वो सोनिया गांधी, क्या भारत देश को बर्बाद करने के लिए आई हुई सोनिया गांधी। अच्छा। सोनिया गांधी थोड़ी भारत देश की नागरिक है, ये लोग षड्यंत्रकारी है, ये भारत देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और किसान तो हीरो है देश के, किसान तो मेरा भाई है, लेकिन किसान के आड़ में किसान को बदनाम करके भारत देश को षड्यंत्रकारी से बचाना होगा। जो षड्यंत्रकारी जो किसान को इस्तेमाल कर रहे वो लोग गलत है, किसान गलत नहीं हो सकते। किसान तो अंधा था यार, किसान तो बहुत बोले भोले वाले होते। इन भोले वाले किसानों को लॉक के बॉर्डर पे बिठा दिया जा रहा है, इनको जो भी खिला रहे हैं जो कर रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन किसान मेरे भाई लोग समझ जाओ, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप तो देश के अन्नदाता हो, आप जो दे रहे हो, ये देश के जितना भी करोड़पति है, जो भी कपड़े की दुकान है या है, मैं नहीं बोलना चाहता। अच्छा। लेकिन आप अगर जो एक रोटी एक जो दाना उगाते हो और आप कितनी मेहनत करते हो मुझे बताए कि खेत में आप 3 महीना मेहनत करते हो, 4 महीना मेहनत करते हो और फसल हो जाता है जीरो, उसका परिणाम मिलता है वो जीरो हो जाता है। आपकी उचित मांगे, मैं मोदी से कहना चाहता भाई आपके उचित मांगे, मोदी जी समर्थन करो किसानों का और उनकी जो उचित मांगे देना चाहिए उनको, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान से बड़ा कोई नहीं है। मैं किसान का समर्थक हूँ, लेकिन गलत तरीके से नहीं। आप गलत तरीका अपनाओ, मेरे पुलिस वाले भाई है, जो फौजी भाई है, जो हमारा झंडा है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, उसको नुकसान मत पहुँचाओ और सही तरह से प्रोडक्ट करो। आपकी जो उचित मांगे है वो मानी जाएगी, लेकिन ये जो ये भारी लोग है, ये जो विपक्षी पार्टी वाले जो आपको भड़का रहे, जो आपको फंडिंग दे रहे, विदेश से आपको फंडिंग आ रही है, ये सब की फंडिंग मत लो। ये भारत देश का नागरिक नहीं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, इन लोगों के चक्कर मत पड़ो। और आपके उचित मांगे तो मोदी जी अच्छा प्रधानमंत्री बैठा, सबकी मांगे मानेगा और सबको उचित जो भी मिलना है वो मिलेगा। दिल्ली किसानों का नहीं है क्या? क्यों नहीं है? तो फिर आने क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? आने क्यों नहीं दिया जाएगा? अरे उचित मांगे, अगर जो सही प्रकार से अगर जो प्रोटेक्ट करेगा किसान, ऐसे थोड़ी होता है जो पुलिस वाले पे लाठीचार्ज करेगा, पुलिस वाले पे गम बोले होगेगा, पुलिस वाले पे पत्थर फेंकेगा, ये सब नहीं करना चाहिए। उचित तरीके से आंदोलन करे, किसान हमारे भाई है, किसान से देश, किसान से बड़ा देश में कोई नहीं है। सबसे पहले किसान, उसके बाद फौज, उसके बाद पुलिस। 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा? 2024 में कुछ फर्क नहीं वाला है। चंद जो लोग हैं ना, मेरी बात सुनो, उस पत्रकार महोदय, चंद लोग हैं विपक्ष वाले। विपक्ष वाले कहाँ हैं? तो कौन है वहाँ का विपक्ष वाले खड़े हुए हैं? ये 4-5-10 है किसान। किसान तो वो राज्य के किसान कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए वो? ये चंद लोग हैं जो देश विरोधी ताकते हैं। अच्छा। जो विपक्ष वाले भाड़े वाले लोग जो भर भर के ट्रैक्टर में ला रहे, जैसे गाँव में नहीं लाते, गांव में भर जाओ भाई, एक सरपंच होता है गांव में, सबको बिठा लेता है, एक एक पबुआ मिला दूंगा भाई, 100-100, 200-200 रुपये ले लो और ट्रैक्टर में बैठ जाओ, वहाँ आंदोलन कर रहा है। उनको कुछ पता नहीं होता, बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको खाली रोटी पूरी सब्जी खिला देगा उधर, वहाँ जाके आंदोलन जय हो करने लग जाएंगे झंडा उठा के। ये सब वही लोग है, इनको पता ही नहीं कि सब्जी का भाव क्या होता है, टमाटर का भाव क्यों बढ़ना चाहिए और किसानों को क्या किस में फ़ायदा होना चाहिए, कौन सा कानून क्या है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। कुछ चंद नेता है उनके अपने फायदे के लिए किसान का इस्तेमाल कर रहा है, उन नेताओं को समझना चाहिए कि किसान का फायदा मत उठा। और अगर जो मोदी तुमसे टकरा नहीं सकते मोदी से, तो घर में बैठ जाओ, कहीं और चले जाओ, तुम्हारा कोई जगह नहीं है, तुम भाग जाओ यहाँ से देश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।